नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया कनौजिया। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, चादर चढ़ाकर देश में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। राज्य सरकार ने दिया जेएलएन हॉस्पिटल को 5 सीपीआर मशीनों का तोहफा, हृदय रोगों को मिलेगा उपचार का फायदा। कानून व्यवस्था को लेकर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक, संभाग के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद, संभाग में चल रहे विकास कार्यक्रमों पर भी हुई चर्चा। और रक्तदान का महत्व समझाने भारत भ्रमण पर निकले किरण वर्मा पहुंचे अजमेर, दरगाह पर अपनी यात्रा की सफलता के लिए मांगी दुआ। अजमेर शरीफ दरगाह पर जियारत के लिए लगातार आम और खास लोगों को आना जाना लगा रहता है। इस बार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अजमेर पहुंचे और गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की। उन्होंने मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ भी मांगी। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता जिसको तू चाहे, हे नबी तू बुलाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और गरीब नवाज की मजार पर मखमली चादर पेश की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिरका परस्त ताकतों के खात्मे और मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगने वे यहां आए हैं। आज सबसे बड़ी दुआ जो मैंने मांगी है आका के सामने वो ये है कि जो फिरका परस्ती हमारे वतन में बढ़ रही है, मैंने आका से मांगा है कि परवरदिगार से मैं गुजारिश करता हूँ आपकी, आपको सामने रखकर इस फिरका परस्ती का खात्मा कीजिए और भाईचारे को बढ़ाइए। सब धर्मों में भाईचारा होना चाहिए जो इस वतन की परंपरा रही है। इसके साथ साथ मैंने ये भी मांगा कि जम्मू कश्मीर में अमन आए, वहाँ लोग इस मारामारी से बच जाएं और एक अमन फिर से वहाँ बहाल हो और वो जन्नत जो हमने अपने गुनाहों से खोई है, मांगा कि वो जन्नत हमें वापस करें। और उसके साथ साथ मैंने ये भी मांगा कि हिंदुस्तान और इसके जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो और हम इन रिश्तों को और मजबूत कर सकें और सार्क का जो मकसद था वो पूरा हो सके कि ये सब रियासतें इकट्ठे होके एक दूसरे के लिए बेहतरी सोचें। जम्मू कश्मीर में तनाव और अशांति के माहौल के बीच पिछले दिनों सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी दरगाह पहुंचकर जियारत की थी। एक सप्ताह के अंदर कश्मीर के दो बड़े सियासतदानों ने गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचकर शांति की दुआ की है। उम्मीद है दरगाह पर देश की अमन शांति के लिए मांगी जा रही ये दुआएं जरूर पूरी होंगी और भारतवर्ष दुनिया में एकता और तरक्की की नई मिसाल कायम करेगा। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।